बनने जा रहा है मसाला पापड़ और ये है इसकी तैयारी जो मैंने कर रखी है। मसाला पापड़ बनाने के लिए मैंने लिया है ये टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती, ऑयल, बटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और ये पापड़। तो सबसे पहले हम पापड़ लेते हैं और इसमें हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल हम अच्छे से लगाएंगे। ये मैंने इसमें ऑयल लगा दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक लगाएंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम पापड़ लेंगे, इसमें हम लगा रहे हैं बटर। आप इसको बटर मसाला पापड़ भी बोल सकते हो। ये मैंने बटर लिया है और इसमें हम बटर लगा रहे हैं। ये मैंने अच्छे से लगा दिया सब साइड में और इस पे भी हम थोड़ा सा नमक लगा देंगे। अब इन पापड़ को हम 2 तरह से सेकेंगे। एक पापड़ हम गैस पे सेकेंगे और एक पापड़ हम ओवन में सेकेंगे। तो जो मैंने बटर लगाया है इस पापड़ को हम ओवन में सेकते हैं और जिसमें मैंने ऑयल लगाया है इसको हम गैस पे सेकते हैं। सेकेंड पापड़ को हम गैस पे सेकते हैं। इस पापड़ को आप चाहो तो हाथ से भी सेक सकते हो, मैं हाथ से नहीं सेक रही हूं। दोनों पापड़ सेक गए हैं। इसमें नमक हमने लगा लिया था, अब हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लगाते हैं दोनों में। जैसा तीखा पसंद करते हो वैसा लगा सकते हो। अब हम इसमें डालते हैं चॉप किया हुआ प्याज। टमाटर, आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी यूज कर सकते हो। मैंने यूज नहीं की है क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं खाती, इसलिए आप चाहो तो डाल सकते हो। एंड ये धनिया पत्ती, एक में मैं डाल रही हूं, एक में मैं नहीं डाल रही हूं। जैसा आप चाहो तो बिना धनिया पत्ती के भी बना सकते हो, धनिया पत्ती के साथ भी बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप थोड़ा सा नमक और डाल सकते हो क्योंकि हमने इसमें सब्जियां डाली है। और हम इसमें अब डाल देंगे ये नींबू का रस। तो मेरे मसाला पापड़ रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसको जल्दी से खाया जाए। और आप भी ये मसाला पापड़ घर पे जरूर बनाना और ये मसाला पापड़ को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते बेल बटन जरूर हिट करिएगा। मैं बहुत जल्द नया वीडियो लेके आऊंगी।